हेलो गाइस, वेलकम टू टेकियास यूट्यूब चैनल। एंड गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है, अभी कुछ ही दिन पहले वीवो ने अपने वीवो T1 Pro 5G स्मार्टफोन को जो इंडियन मार्केट में लॉन्च करा था, 24,000 रुपीज में इसका बेस वर्ण आपको देखने को मिलता था। लेकिन आज के दिन अभी के अभी ये स्मार्टफोन का आप ले पाओगे सिर्फ 20,000 रुपए में, 4,000 रुपए फ्लैट डिस्काउंट के साथ में। तो कैसे ले पाओगे 20,000 रुपए में? क्या ये स्मार्टफोन डील को आपको ग्रैब करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? क्या अच्छी चीज है, क्या बुरी चीज है? कंप्लीट डिटेल यहाँ पर देने वाला हूं। तो कर देना वीडियो को लाइक। वीडियो का लाइक का टारगेट 3,000 लाइक्स का, आई होप कि आप कर दोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई, ऑफर आप कहां पर से ले पाओगे, कब तक के ले पाओगे? तो ऑफर आपको फ्लिपकार्ट पे देखने को मिलेगा। वीवो का ऑफर मतलब कार्निवल सेल वगैरह चल रहा है, 12 मई से लेके 16 मई के बीच में यहां पर ऑफर को डील को आप ग्रैब कर सकते हो। अब जो 24,000 रुपए का वीवो T1 Pro 5G स्मार्टफोन है, 20,000 रुपए में आपको कैसे मिलेगा? तो यहां पर आपको दो ऑफर अप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहले ऑफर की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको 2,500 रुपए का प्रीपेड ऑफ देखने को मिल रहा है, फ्लैट 2,500 रुपए का ऑफ है। एंड जो 1,500 रुपए का अलग से ऑफर है वो आपको देखने को मिलता है सिटी बैंक के कार्ड पे। चाहे सिटी बैंक आपके पास में क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, एटीएम कार्ड हो, ईएमआई करा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वहां पर से आपको 1,500 रुपए का फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर आप सीधा सीधा आप सिटी बैंक के कोई भी कार्ड से पेमेंट करते हो, एटीएम कार्ड से भी पेमेंट करोगे, 4,000 रुपए का यहां पर से आपको फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। जो 24,000 रुपए का स्मार्टफोन है आप इफेक्टिवली ले पाओगे सिर्फ 20,000 रुपए की प्राइस पॉइंट पे। अब क्या 20,000 रुपए में आज की डेट में स्मार्टफोन को लेना चाहिए? डेफिनेटली आप डील को ग्रैब कर सकते हो, क्योंकि यहां पर आपको धमाकेदार फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। बिल एंड डिजाइन यहां पर आपको काफी बढ़िया सी देखने को मिल जाते हैं। डिस्प्ले यहां पर 90Hz का एक AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। 1300 nits के आपको पीक ब्राइटनेस का सपोर्ट मिल जाता है। 628 आपको यहां पर बेस रेट में देखने को मिलता है। Snapdragon का 778G वाला एक 5G चिपसेट मिलता है, अच्छे खासे 5G बैंड के साथ में। तो परफॉर्मेंस भी यहां पर आपकी तगड़ी रहने वाली है। 64MP का ट्रिपल रियर कैमरा है, 16 की सेल्फी है। एंड 20,000 रुपए के हिसाब से देखोगे कैमरा परफॉर्मेंस आपको काफी सॉलिड मिलेगी। एंड्रॉइड 12 आउट ऑफ द बॉक्स मिल रहा है। 4700mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाती है। 66W का इंसेंट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। आउट ऑफ द बॉक्स आपको 66W का जो है चार्जर भी देखने को मिलता है। तो फास्ट चार्जिंग ये स्मार्टफोन की काफी जबरदस्त है। ओवरऑल अगर देखा जाए काफी सॉलिड स्मार्टफोन है। कमियां भी दो तीन आपको देखने को मिलती है, जैसे कि यहां पर आपको वाटर ड्रॉप नॉच मिल जाता है जो कि काफी ओल्ड स्टाइल लगता है। प्लस 90Hz डिस्प्ले की जगह मेरे हिसाब से 120Hz यहां पर होना चाहिए था। एंड डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट नहीं मिलता है, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर दिया गया है। सो ये दो से तीन आपको यहां पर माइनर कमियां भी देखने को मिलती है, लेकिन अगर आपको ये कमियों से फर्क नहीं पड़ता है, एक सॉलिड ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए, अच्छी परफॉर्मेंस, अच्छे कैमरे, अच्छे डिजाइन के साथ में, एंड सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी यहां पर आपको डिसेंट मिलता है, तो वैसे टाइप का अगर आपको स्मार्टफोन चाहिए अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग के साथ में, तो डेफिनेटली ये स्मार्टफोन की तरफ देख सकते हैं। मैं बोलूंगा 24,000 रुपीज में डिसेंट ऑप्शन तो था ही, बट फॉर 20,000 रुपीज एब्सोल्युटली ग्रेट डील, डेफिनेटली आप इसकी तरफ देख सकते हो। वैसे कैसे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, वीवो T1 Pro 5G स्मार्टफोन का ऑफर यहां पर आपको कैसा लगा? क्या आपने ऑलरेडी ये डील को 20,000 रुपए में ग्रैब कर चुके हो, या वीडियो देखने के बाद करने वाले हो? ये डील को लेकर कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेरीज है, मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। आई होप कि हम सबको पसंद आई होगी। एंड कैसे अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं तब तक किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।